इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हेमंत सोरेन को ईडी समन और गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर आज भी हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और कल झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद के बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई। आज सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल, पीयूष चित्रेश और श्रेयस मिश्रा ने बहस की है। वही आपको बताएं कि ईडी की ओर से एएसजीआईएसवी राजू ने हेमंत सोरेन की याचिका का विरोध किया है। हेमंत सोरेन की ओर से पक्ष रखते हुए वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि यह मामला शेड्यूल ऑफिस का नहीं है, उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं बनता है। बड़गाई अंचल के जिस विवादित 8.5 एकड़ जमीन की बात कही जा रही है उसके मूल दस्तावेज में हेमंत सोरेन का नाम का जिक्र ही नहीं है। और इसी खबर पर देखिए अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर रांची से संवाददाता दीपक जुड़े हुए हैं। दीपक, देखिए बड़गाई अंचल के जमीन वाले मामले पर आज सुनवाई हुई है और फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, फिलहाल आपके पास और क्या कुछ अपडेट दीपक? जी बिल्कुल, देखिए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा दायर क्रिमिनल रिट याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलील को सुनने के पश्चात जो हाईकोर्ट ने फैसला को सुरक्षित रख लिया है। अब आदेश जब सुनाया जाएगा उसमें देखना होगा कि क्या आदेश झारखंड हाई कोर्ट का आता है। और चूंकि यह जो मामला है जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी बीते 21 जनवरी को पूछताछ के क्रम में ईडी ने किया था और उसके बाद ही जो है वो गिरफ्तारी को चैलेंज जो है पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाई कोर्ट में किया था, जिस पर कल भी सुनवाई हुई थी। कल भी 1.5 से 2 घंटा तक लगभग सुनवाई हुई और आज भी सुनवाई हुई और दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात जो है वो फैसला को सुरक्षित रख लिया है। हेमंत सोरेन के तरफ से जो पक्ष रख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि शेड्यूल ऑफेंस का जो मामला है वो हेमंत सोरेन पर नहीं बनता है और इसकी जो गिरफ्तारी हुई है वो गलत तरीके से की गई है। किसी भी तरह का मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं बनता है और कई ऐसे जो पॉइंट्स है उसका जिक्र करते हुए बहस की। लेकिन वहीं ईडी के तरफ से जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने जो बहस की और उन्होंने जो पक्ष रखा उन्होंने साफ तौर पर कहा कि शेड्यूल ऑफेंस का मामला बनता है, क्योंकि जिस तरीके से इस जमीन 8 एकड़ 44 डिसमिल जमीन की जो गलत तरीके से जो खरीद बिक्री की कोशिश की गई है और जो हेमंत सोरेन के कब्जे में दिखाने की जो बात हुई है तो इन तमाम चीजों को लेकर के बहस की गई और साफ तौर पे कहा कि बंगाई अंचल के जो निलंबित उप राजस्व कर्मी भानु प्रताप प्रसाद है वो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन को कहीं ना कहीं सहयोग किया है और इसी माध्यम से जो है वो जमीन पर अवैध कब्जा करने की कोशिश की है। लेकिन कपिल सिब्बल ने अदालत को कहा कि जिस जमीन को लेकर के हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है उसमें हेमंत सोरेन का नाम का भी जिक्र नहीं है और कोई भी ठोस एविडेंस जो है वो ईडी के पास नहीं है। लेकिन ईडी ने भी अपना पक्ष जो रखा है और कहा कि जो हेमंत सोरेन के द्वारा जो दायर क्रिमिनल रिट याचिका है उसे खारिज किया जाए, ये मांग ईडी के द्वारा किया गया है। तो दोनों पक्षों की दलील को सुनने के पश्चात जो है अब अदालत में फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। अब आदेश जब आएगा उसमें देखना होगा कि क्या हेमंत सोरेन को राहत मिलता भी है या फिर नहीं मिलता है, इसके लिए फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए कि फिलहाल इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। अब क्या देखने वाली बात होगी कि हेमंत सोरेन को राहत मिलती है या फिर आगे ईडी का क्या कुछ रुख हमें देखने को मिलेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।